ओके सो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो सिस्को एएसए का मॉड्यूल है, हम पहले एएसए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एएसए का जो मॉड्यूल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहले हम टॉपिक्स डिस्कशन कर लेते हैं। जो आप सिस्को एएसए के बारे में डिस्कशन करते हो तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर। क्या क्या टॉपिक्स है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया, हम बेसिक कुछ प्रोडक्ट फैमिली के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे सिस्को के राउटर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं। वैसे हम उसके प्रोडक्ट की सीरीज कौन सी है, किस टाइप के प्रोडक्ट हम किस तरह के इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे मिड रेंज नेटवर्क है या एंटरप्राइज कंपनी है या डेटा सेंटर है, तो प्रोडक्ट फैमिली के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट की अगर मैं सोचूं कि कोई मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉलो ऑल्टो में इतने सारे फीचर है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर रहा है मल्टीपल फीचर इन 14, तो एएसए के अंदर क्या फीचर है वो मैं डिस्कशन कर सकूँ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद हम फिर बात करेंगे क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहले फर्स्ट डे सिस्को एएसए फायरवॉल पे काम कैसे करते हैं। जितनी बेसिक कमांड होगी जैसे बैकअप लेना, आईओएस अपग्रेड करना, ये सारी चीजें किसका पार्ट आती है, बेसिक का। इसके बाद हम मूव करते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब हम फायरवॉल पे काम करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, जैसे इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, डीएमजेड होता है, ये कीवर्ड है। देखो जब आप सिस्को से फायरवॉल पे काम करते हो तो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड कीवर्ड आता है जिसे हम कहते हैं क्या, इनसाइड। प्री डिफाइंड कीवर्ड आता है जिसे कहते हैं इनसाइड। अगर ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये पॉलो ऑल्टो में नहीं मिलेगा, ये फोर्टिनेट में नहीं मिलेगा, चेक पॉइंट पे भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने इनसाइड किया, इनसाइड डिस्कशन किया, इनसाइड का मतलब इस पर्टिकुलर इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है इसको। इनसाइड आउटसाइड ये आप डिफाइन करते हो, डीएमजेड एक कीवर्ड होता है, क्या होता है मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। सो इंटरफेस का मतलब आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सारी चीजें इंटरफेस का पार्ट होगी। उसके बाद ट्रैफिक फ्लो हमें जानना चाहिए, थ्रू द फायरवॉल ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है, ठीक है। आपका सिस्को ऐसे फायरवॉल सिक्योरिटी लेवल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट होता है क्या है, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं सिस्को एएसए फायरवॉल के अंदर, सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल का रेंज होता है आपका 0 to 100। 0 to 100 का मतलब सिस्को एएसए फायरवॉल सिक्योरिटी लेवल पे कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, और ट्रैफिक का जो फ्लो होता है हमेशा बाय डिफॉल्ट 100 से, यानी हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं बात करूंगा प्रॉपर्ली में, बट इतना क्लियर रखो कि ट्रैफिक थ्रू द फार्मूला हमें क्लियर करना है। उसके बाद हमारी आती है क्या, सिक्योरिटी लेवल, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी लेवल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन जो पॉलो ऑल्टो फायरवॉल है वो जोन बेस्ड फायरवॉल पे काम करती है, जो सिस्को फायर पावर जो आप स्टडी करोगे वो भी जोन बेस्ड फायरवॉल के टेक्निक पे काम करती है, जबकि है वो सिस्को की, ठीक है। अब नाउ हमारे पास क्या है, रिमोट मैनेजमेंट, यानी हम फायरवॉल पे टेलनेट और एसएस कैसे अलाउ करेंगे, टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एसएस कैसे करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है क्या, राउटिंग का कॉन्सेप्ट। राउटिंग का मतलब कि मुझे ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल सेंड करता है, तो स्टैटिक, देन मेरे पास क्या है, डिफॉल्ट। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक राउटिंग जो हम सिस्को राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं वही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, स्टैटिक डिफॉल्ट रिप ईआईआरपी और नोस्पी। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करना चाहते हैं, तभी तो हम फिर बाकी ट्रैफिक पे काम कर पाएंगे। तो यस, आप अपने फायरवॉल पे राउटिंग कर सकते हो, किसी भी फायरवॉल, सिस्को एएसए, सिस्को फायर पावर, पॉलो ऑल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, किसी पे भी राउटिंग कर सकते हो। उसके बाद आती है क्या आपकी, ये होती है पैकेट फिल्टरिंग का मेथड। यही पैकेट फिल्टरिंग मेथड को पॉलो ऑल्टो में कहते हैं हम क्या, सिक्योरिटी पॉलिसी, फोर्टिनेट में कहते हैं फायरवॉल पॉलिसी, सब चीजें सेम है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एसीएल तो हमने राउटिंग स्विचिंग से देखा हुआ है, बट वही एसीएल अगर हम फायरवॉल पे कॉन्फिगर करते हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, अगर वहाँ पर ट्रैफिक अलाउ करना होगा सोर्स डेस्टिनेशन सर्विस प्रोटोकॉल देख के, तो एसएल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑन सिस्को एएसए फायरवॉल, ओके। उसके बाद आपके पास आता है एसएल का ही एक एडवांस वर्जन, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप। आपको एक एडवांस वर्ड मिलेगा एसएल का, ऑब्जेक्ट ग्रुप कहाँ यूज करते हैं मैं सिनेरियो समझाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जस्ट उसके पहले एक टॉपिक है क्या, नेट। नेट यहाँ पे जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट आपका कैसा है,
नेट के अंदर आप क्या स्टडी करते हो, सबसे पहले स्टडी करते हो स्टैटिक नेट देन डायनेमिक नेट, उसके बाद आता है क्या डायनेमिक पैट देन स्टैटिक पैट, चार टाइप की नेट आपको मेरे साथ स्टडी करने हैं इसमें, स्टैटिक डायनेमिक देन व्हाट स्टैटिक पैट एंड डायनेमिक पैट। Once you complete this net configuration, तो आपको काफी कुछ चीजें सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, कैसे ट्रैफिक बाहर से डीएमजेड की तरफ आता है, कैसे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करते हैं, ट्रैफिक को बाहर से कोई ट्रैफिक हिट करती है फायरवॉल पे तो उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, ये नेट के अंदर बहुत सारे सिनेरियो क्लियर हो जाएंगे। नेट कॉन्फिगरेशन डन करने के बाद, ऑब्जेक्ट ग्रुप डन करने के बाद, ये आपका फिर हम आते हैं क्या नेक्स्ट जनरेशन आईपी में, यानी जैसे हम आईपी वर्जन 6 को हम राउटर पे भी कॉन्फिगर करते हैं, स्विच पे भी कॉन्फिगरेशन करते हैं, तो फायरवॉल पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में सिखा दूंगा, आई होप आपको IPv6 का फॉर्मेट पता हो कैसा दिखता है, राइट? तो बस मैं आपको, हाँ बस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट वो होता है, तो मैं उसे कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा कि वो आईपी को कैसे देते हैं फायरवॉल के ऊपर, अगर राउटिंग करनी है IPv6 की सिस्को जैसे फायरवॉल पे तो कौन कौन सी सपोर्ट करती है वो बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ये जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है, ये पार्ट अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम L3 फायरवॉल के ऊपर करते हैं। L3 फायरवॉल, देखो फायरवॉल को दो तरीके से यूज करते हैं, L2 फायरवॉल और L3 फायरवॉल। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे थे ना, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, L3 फायरवॉल का। जैसे आप कहते हो राउटेड मोड फायरवॉल या राउटेड मोड फायरवॉल या राउटर, आप जब फायरवॉल पे जाओगे उसका मोड चेक करोगे तब पता चलेगा कि दो तरह के मोड होते हैं, राउटर मोड एंड ट्रांसपेरेंट। अगर उसका राउटर मोड दिख रहा है इसका मतलब वो क्या है, L3 फायरवॉल। और अगर उस पे मोड क्या दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट मोड, अगर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देखो L2 फायरवॉल पे पूरा एक टॉपिक है अच्छा खासा, यानी आप कम से कम 2 से 3 घंटे सिर्फ L2 फायरवॉल को सीखने में दे सकते हो, क्लियर है? अब L2 फायरवॉल में फर्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक इनिशियलाइजेशन। बेसिक इनिशियलाइजेशन का मतलब जैसे L3 फायरवॉल पे कैसे ट्रैफिक फ्लो करेगा, कैसे काम करता है L3 फायरवॉल, वैसे ही हम क्या देखेंगे L2 फायरवॉल पे कैसे ट्रैफिक काम करता है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना L3 फायरवॉल में कहाँ लगाऊंगा और L2 फायरवॉल में कहाँ लगाऊंगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है अगर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो बेसिक इनिशियलाइजेशन का पार्ट हमारा हो जाएगा। देन एक्सेस पॉलिसी आपकी, एक्सेस पॉलिसी का मतलब ACL, अगर मुझे ACL ट्रैफिक कुछ अलाउ करनी है तो मैं एक्सेस पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा। यहाँ पे एक टॉपिक आपके पास और आती है क्या, इसके अंदर एक टॉपिक है जो मैंने लिखा मेंशन है, जिन्हें जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या, मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो होती है ना वो थ्रू द ट्रांसपेरेंट फायरवॉल नहीं जाती है। मान लो कि आप कहीं राउटिंग यूज कर रहे हो, राउटिंग का मेथड जैसे आपने फायरवॉल डिप्लॉय कर दिया और गलती से आपने जो फायरवॉल डिप्लॉय किया वो ट्रांसपेरेंट मोड में डिप्लॉय किया, देन ट्रैफिक जो है जो सिस्को से फायरवॉल है अगर वो ट्रांसपेरेंट मोड में होना तो मल्टीकास्ट ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल नहीं ट्रैवल करती, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना। एक्सेस पॉलिसी का मतलब ACL की बात कर लो, ठीक है? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एक्सेस पॉलिसी मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है बट उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। उसके बाद आता है क्या ईथर टाइप ACL, हमने सिर्फ ACL सुना हुआ है बट हमारे पास ईथर टाइप ACL भी आता है, ठीक है? अच्छा ईथर टाइप जो ACL कॉन्सेप्ट है वो आप ट्रांसपेरेंट मोड पे ही कॉन्फ़िगर करते, राउटेड मोड में नहीं करते। क्या होता है ये मैं बात करूंगा। अच्छा ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन किसका है, L2 फायरवॉल का, क्लियर? उसके बाद फिर हम नीचे मूव करते हैं और नीचे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक है रिडंडेंसी। पता ये जो पोर्शन है रिडंडेंसी का, जो इसके अंदर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना आपको, सिर्फ ये टॉपिक आपका कम से कम 4 से 5 क्लास ले लेगा, 4 से 5 क्लास आप कह सकते हो, 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 6 घंटे देने पड़ेंगे ये सारे टॉपिक कवर करने के लिए, सिर्फ इसके टॉपिक। इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट आपके पास आता है इंटरफेस लेवल रिडंडेंसी। इसके अंदर हमें बनाते हैं इंटरफेस दो टाइप के, फर्स्ट आप इंटरफेस बनाना सीखोगे क्या, रिडंडेंट इंटरफेस, ये हमारे पास टॉपिक होती है। इसमें हम क्या क्यों बनाते हैं ये इंटरफेस, किस सिनेरियो में बनाते हैं वो डिस्कशन करेंगे। और हाँ L3 ईथर चैनल हम यहाँ कॉन्फिगर कर सकते हैं, जैसे हम STP के एनवायरनमेंट में ईथर चैनल कॉन्फिगर करते हैं L2, सेम राउटर के ऊपर क्या होता है हम L3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं, पोर्ट के बैंडविड्थ को कंबाइन करके एक लॉजिकल पोर्ट बना लेते हैं, वही काम हम सिस्को से फायरवॉल पे भी कर सकते हैं, क्लियर है मेरी बात? उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्चुअल फायरवॉल। देखो एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स को
मल्टीपल फॉरवर्ड बॉक्स पे डिवाइड कर सकते हैं उसे। इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फॉरवर्ड, या यहाँ पे उसे हम बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर दो हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, एडमिन कॉन्टेक्स्ट एंड सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अभी एडमिन कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये पूरा प्रॉपर डिस्कशन करते हैं जब हम ये पूरा डेडिकेटेड टॉपिक पढ़ते हैं क्या, वर्चुअल फायरवॉल। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, फेलओवर। फेलओवर अगर आप सीसीआई लैब भी अगर एग्जाम अगर कभी दोगे अगर, तो सिर्फ सीसीआई लैब के अंदर ये दोनों लैब आते हैं, ये दोनों लैब है, लैब के अंदर टॉपिक है बोले फेलओवर का। एक्टिव स्टैंड बाय भी है और एक्टिव एक्टिव भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर का मतलब होता है मैंने दो फॉरवर्ड लगा दिया, एक फॉरवर्ड से मेरी ट्रैफिक जा रही है, अगर फॉरवर्ड डाउन हुआ तो जो दूसरा बॉक्स है वो स्टैंड बाय में पहले था, जैसे ये बॉक्स डाउन हुआ ये फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और ट्रैफिक मेरी क्या होगी, इस बॉक्स से ट्रैवल कर जाएगा। इसे एक्टिव स्टैंड का, एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब है कि एक फॉरवर्ड काम कर रहा होगा और दूसरा सुचा बैठा रहेगा। लेकिन दूसरा मेथड आता है एक्टिव एक्टिव। मान लो मैंने दो फॉरवर्ड लगाए सिस्को ऐसे के, 5-5 लाख के दो फॉरवर्ड, तो मैं एक फॉरवर्ड को शांत क्यों बैठने देना चाहता हूँ, चाहता हूँ ना दोनों को यूटिलाइज कर लूँ, राइट। तो उसके लिए क्या आता है आपके पास, एक्टिव एक्टिव फेल होगा। सिनारियो क्या है, किस सिनारियो में इसको यूज करेंगे एक्टिव स्टैंड बाय, किस सिनारियो में एक्टिव एक्टिव यूज करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अगर मुझे सेटअप लगाना हो तो क्या क्या मुझे कंप्लीट चीजें चाहिए तब मैं ये लैब को कर सकता हूँ, वो सारा प्रैक्टिकल के टाइम पे डिस्कशन, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है क्या, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। देखो डीप पैकेट इंस्पेक्शन सिस्को एसए फॉरवर्ड सिर्फ कहता है, अगर सच में डीप पैकेट इंस्पेक्शन की बात करें ना तो ये क्या हो जाएगा, खुश ये नहीं कर पाएगा। डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए आपके पास जो सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ना, इसे सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस कहते हैं, इज गुड फॉर किस, फॉर किस लिए, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। डीप पैकेट का मतलब होता है लेयर 2 टू लेयर 7 तक डीप पैकेट इंस्पेक्शन। आपका जैसे पोलो अल्टो है वो क्या करता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है। वो फॉर्टिनेट है वो क्या करता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है। जो जितने भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं है, पहले आप ये क्लियर कर लो, सिस्को एसए फायरवॉल के अंदर जाने का पहला स्टेप, बट इट्स नॉट अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। बट हाँ, डीप पैकेट इंस्पेक्शन का फीचर होता क्या है, ओके, उसमें क्या हम इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसएमटीपी का इंस्पेक्शन कैसे होता है, एफटीपी का इंस्पेक्शन कैसे होता है, डीएनएस का इंस्पेक्शन कैसे होता है। तो हमारे पास टॉपिक है डीप पैकेट इंस्पेक्शन, जिसे हम कहते हैं एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब होता है मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो एमपीएफ का कॉन्सेप्ट होता क्या है, यानी अंडरस्टैंड करेंगे पहले डीप पैकेट इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट, फिर बात करेंगे ट्यून द ग्लोबल पॉलिसी। ग्लोबल पॉलिसी का मतलब देखो, डीप पैकेट इंस्पेक्शन की पॉलिसी पहले से बनी होती है, सिस्को एसए फॉरवर्ड पहले से इनेबल होती है, लेकिन उसे ग्लोबल पॉलिसी कहते हैं, मतलब जो पहले से बनी है ना उसे ग्लोबल पॉलिसी कहेंगे, जो चल रही है हम उस पर काम कर रहे हैं। बट अगर मुझे अपनी खुद की डीप पैकेट इंस्पेक्शन की पॉलिसी सेपरेट बनानी है, मुझे कोई एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन पर डालना है, देन तो हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगर अ कस्टम पॉलिसी। क्लियर है। नाउ ये जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो यहां से लेके जो आप कॉन्फ़िगरेशन धीरे 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 आप चल रहे हो यहां तक, ये भी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आप क्या कर रहे हो, सीएलआई के थ्रू करोगे, ये सारा का सारा किस पे होगा, सीएलआई। बट अगर आपको लगता है जस्ट लाइक अ पोलो ऑल्टो एंड फोर्टिनेट, सर पोलो ऑल्टो 48 भी ग्राफिकली मैनेज होते हैं, इससे थोड़े से लोगों को अच्छे लगते हैं, तो ये सिस्को एसए फॉरवर्ड को भी मैनेज कर सकते हैं, सिस्को एसए फॉरवर्ड को आप ग्राफिकली मैनेज कर सकते हो। तो हमारे पास पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है, ओके, हाउ टू एक्सेस सिस्को एसए फॉरवर्ड थ्रू जीयूआई। तो यस, हम उसे एक्सेस करेंगे, जो भी ऑप्शन जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने सीएलआई के थ्रू किया है उसे ग्राफिकली कैसे करेंगे। देखो अगर सीएलआई सारी आ गई ना तो ग्राफिकल पे काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, याद है मैंने वर्चुअल फॉरवर्ड कॉन्फ़िगर किया था सीएलआई पे, यस ये देखो ग्राफिकल पे यहाँ 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 क्लिक करते, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सीएलआई पे किया था, ग्राफिकल कैसे करेंगे, ये ऑप्शन। तो ग्राफिकल आपका एक क्लास लेगा 2 घंटे का, जिसमें आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते। उसके बाद आता है उस सिस्को एसए फॉरवर्ड के ऊपर वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना। वीपीएन, वीपीएन एक पूरा सेक्शन है। अब उस वीपीएन को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, जैसे हमारे पास दो तरह के वीपीएन आते हैं, फर्स्ट होता है साइट टू साइट वीपीएन, दूसरा होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन।
अब इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए हम दो तरह के वीपीएन स्टडी करते हैं, ओके, आईपीसेक एंड एसएलवीपीएन। सो आईपीसेक कॉन्सेप्ट है क्या, इसके अंदर लोग कहते हैं फेज वन होता है, फेज टू होता है, इंक्रिप्शन होता है, हैश होता है, डेफी हेलमेट होता है, 50 चीजें, ये क्या है, कैसे फेज वन काम करता है, कैसे फेज टू काम करता है, ठीक है। तो आईपीसेक काम कैसे करता है, सिर्फ उस पर हम अगर स्टडी करने बैठे हैं तो 1 से 2 घंटे का सिर्फ थियोरिटिकल टॉपिक है। उसके बाद फिर आप किस पे आते हो, लैब, यानी साइड टू साइड। देखो हम जो साइड टू साइड मैंने यहाँ लिखा है ना, ये हम राउटर पे भी करते हैं, लेकिन यही चीज ये आप किस पे करते हो, सिस्को ऐसे फायरवॉल, फोर्टिनेट, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, सिस्को फायर पावर, थ्रेट डिफेंस। तो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, once you understand concept then you can configure on other devices, clear hai? Side to side IPsec hai, aur remote access ke liye hamare paas do lab hai, pehla main SSL VPN ke through kar sakta hu aur dusra main IKE P2 ke sath kar sakta hu, clear hai meri baat? To ye aapka jo abhi portion jo aapne dekha hai na, jo bhi aapko chota bada ye lag raha hai, ye sara portion aapko mere sath baith ke study karna hai in Cisco AS. Now, अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा मॉड्यूल आपका कम से कम 24 आवर लेगा, 24। अगर हम एक एक घंटे की क्लास करते हैं ना एवरी डे मंडे टू थर्सडे एक एक घंटे की क्लास, तो भी हमें कम से कम 24 क्लास देनी पड़ सकती है, ठीक है। 24 क्लास का मतलब पूरा एक महीना जा सकता है टू अंडरस्टैंड ओनली सिस्को एएसए फायरवॉल, क्लियर है मेरी बात? सो कभी ऐसा भी होगा कि हम किसी क्लास को थोड़ा एक्सटेंड भी कर ले रहे हैं, जैसे मेरे अभी मेरे पास बैचेज है, जैसे मेरा टाइम ऊपर नीचे होता है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, 90 मिनट्स का भी सेशन कर सकते हैं, बट क्लास टाइमिंग हम 9:30 ही रखेंगे, क्योंकि मेरा मॉर्निंग एक बैच है, एक CCI सिक्योरिटी का सिंगल 1-to-1 पढ़ता स्टूडेंट पढ़ता है, US का है, प्रकाश पटेल नाम है उसका, तो वो मेरा 8:30 आता है वैसे, वैसे मैं उसे 8 बजे कर दूंगा, सो 8 से 9:15 तक मैं उसे पढ़ा दूंगा, और फिर 9:30 15 मिनट का ब्रेकफास्ट करके 9:30 से 10:30 में आपका बैच मिलेगा, क्योंकि मेरा 10:30 से फिर बैच एवरी डे पूरा बैच है, हाँ पूरा बैच है, मंडे टू थर्सडे में बैच होता है, मैं मंडे टू थर्सडे 2 बजे से लेके 5 बजे तक फ्री रहता हूँ, सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे से लेके 1 बजे तक बैच है, 2 बजे तक बैच है, फिर 2 बजे से लेके मैं 5 बजे तक फ्री हूँ, फिर शाम को 5 बजे से बैच स्टार्ट होता है, 5 बजे से पहले 48 का बैच होता है, फिर पॉल ओल्टो का बैच है, फिर 48 का बैच है, मतलब रात को 10 बजे तक बैच है। दो से पांच हम आप थोड़े फ्री रहते हैं। परफेक्ट, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, डेफिनेटली। कभी कभी मैं फ्राइडे भी बुला लो करूँगा, फ्राइडे में नहीं आता, फ्राइडे में थोड़ा लेट से आता हूँ क्योंकि ऑफिस से कुछ काम होते हैं, लेट सारे ऑफिस भी देखना होता है, ऑफिस के भी काम होते हैं, तो उसमें मैं रहता हूँ, लेकिन हाँ बैठ जाएंगे। नाउ सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सिस्को एएसए फायरवॉल पर डिस्कशन, ठीक है। सो पहले हम सिस्को एएसए फायरवॉल का डिस्कशन किया हमने, हम उस पर पहले काम करेंगे, फिर जब हम उसे फिनिश करेंगे फिर हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ मूव करेंगे, सिस्को फायरपावर थ्रेट डिफेंस, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है किसके पहले, सिस्को एएसए। देखो जब भी आप फायरवॉल की बात करते हो ना, तो हमारे पास क्या होता है, गार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नाम सुना होगा, गार्टनर से हम रिपोर्ट लेते हैं। देखो गार्टनर, मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे गार्टनर एक एजेंसी है जो आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर रिपोर्ट देती है, इसकी रिपोर्ट आप गूगल से निकाल सकते हो, आपको एक अकाउंट बनाना होता है, तो ये किसी भी टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो आपको कंपनी में आपको सर्वर डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो गार्टनर की रिपोर्ट को प्रायोरिटी दी जाती है मार्केट में, ठीक है ना। क्या करता है ये, जैसे मुझे मान लो सर्वर कौन सा बेस्ट है मार्केट में, सर्वर वेंडर, तो इसकी एक ये लोग सर्वे करते हैं और उसके बिहाफ पे बताते हैं ये वेंडर बेस्ट है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, अभी मैं चूंकि फायरवॉल की बात कर रहा हूँ, तो फायरवॉल को, फायरवॉल के सारे वेंडर्स को इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, लीडर, देन चैलेंजर, देन नाइस प्लेयर एंड देन बिगिनर्स। अब लीडर्स का मतलब, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट कब की है, 2019 की, 2 साल पहले की रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट के हिसाब से पहले गार्टनर हमें ये बता रहा है क्या कि लीडर्स की अगर बात की जाए मार्केट में फायरवॉल के लिए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या फायरवॉल के लिए, तो टॉप पे कौन है, पालो अल्टो, देन फोर्टिनेट, देन सिस्को एंड देन चेकपॉइंट।
ये चार जो वेंडर है ये क्या है टॉप में, बट आपके पास और भी है, जैसे आपके पास क्या है चैलेंजर्स है, तो एक वेंडर आती है अपना नाम सुना होगा हुआवे सुना होगा, देन नाइस प्लेयर्स भी है, नाइस प्लेयर मतलब कुछ और भी मार्केट में आ गए छोटे मोटे हैं, जैसे वॉचगार्ड है, बैराकूडा है, सोफोस है, जूनिपर के फायरवॉल्स आते हैं, तो ये फायरवॉल भी अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं लीडर्स की बात करूं तो हमारे पास ये चार लीडर। अच्छा ये जो डेटा है ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं आपको पुराना पहले डेटा दिखा रहा हूँ, बट अब अगर आप सोचोगे कि सर अगर मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखूँ तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो अब हमारा जो लेटेस्ट डेटा है नवंबर 2020 का, ये दो तीन 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 चार महीने पहले डेटा आएगी, ठीक है ना, दो तीन महीने हो गए। इस डेटा में आप देखो कि आपके पास है, इसने अगेन फायरवॉल को सेम कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, लीडर्स लीडर्स के बारे में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है पालो अल्टो, फोर्टिनेट एंड चेकपॉइंट, सिस्को खिसक के इधर आ गया चैलेंजर्स में, क्यों, क्योंकि उसका सिस्को फायर पावर से डिफेंस बहुत कॉस्टली है, यस एग्जैक्टली बहुत कॉस्टली है, और आपके पास यहाँ पे क्या है ये जो फायरवॉल्स है आपके बहुत कम कॉस्ट में आते हैं और फीचर्स भी इनके अच्छे खासे हैं, तो आपके पास ये इधर आ गया चैलेंजर में आ गया कौन सिस्को, बट अभी भी लीडर्स में कौन है ये चार तीन फायरवॉल्स, क्लियर है। नाउ अब हमारे पास क्या है, मैं सिस्को ESA फायरवॉल स्टार्ट कर रहा था और हम उसे पहले स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये फर्स्ट स्लाइड है और लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं स्लाइड ओपन नहीं करूंगा, ठीक है, इस स्लाइड से समझाने के लिए, ठीक है। तो फायरवॉल एग्जैक्टली क्या होता है, हमें क्या लगता है फायरवॉल क्या होता है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर राउटर पे राउटिंग कर ही ले रहे हैं तो फायरवॉल क्यों लगा रहा हूँ, सब कुछ कर ही ले रहे हैं उसपे तो फायरवॉल लगाने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हाँ अगर आप सिस्को के लेवल पे लेके चलोगे तो आपको फायरवॉल की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं क्लियर होगी, बट आप जब अदर वेंडर पे घुसते होगा तो आपको पता चलता है ओके एप्लीकेशन भी ब्लॉक कर लेते हैं यार इस डिवाइस से, राउटिंग भी कर लेते हैं, नेट भी कर लेते हैं, राइट, कोई पर्सन कोई मेलिशियस फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी स्टॉप कर सकते हैं फायरवॉल से, तो वो सब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, राइट। और ये आपका जो फायरवॉल जो आप डिस्कशन कर रहे हो ये आप सिस्को ESA डिस्कशन कर रहे हो, जिसे हम एग्जैक्टली हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो सिस्को ESA फायरवॉल है या ESA फायरवॉल की बात करो, जो सिर्फ फायरवॉल है वो क्या होता है आपका, आप राउट ये फायरवॉल आपका जो राउटर होता है उस पर आप क्या करते हो राउटिंग करते हो, अगर आप राउटिंग करते हो तो सेम चीज आप किस पे कर लो फायरवॉल पे, आपने ACL कॉन्फिगर किया है कभी, राइट, सेम आप फायरवॉल पे कॉन्फिगरेशन कर लो नो प्रॉब्लम, आपने नेट कॉन्फिगरेशन किया है सेम आप फायरवॉल पे भी कर लो नो प्रॉब्लम। सो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर, जस्ट लाइक अ राउटर बट विथ सम एडवांस फीचर, फायरवॉल को हम कहते हैं इट्स अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम That manages access between network. Between network का मतलब LAN network, WAN network, DMZ network. In network के बीच में access control करना. क्या करना? Manage करना access को. ये हम firewall के थ्रू करते हैं. जब भी आप firewall की बात करते हो, तो अभी मैं Cisco ASA firewall की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं एक normal firewall की बात कर रहा हूँ. जो firewall keyword है, word है. देखो firewall कोई भी purchase करोगे ना, तो ये जो four मैंने लिखे हैं keywords, technique. ये सारे दुनिया का कोई भी फार्मूला ये टेक्निक को फॉलो करता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट टेक्निक क्या है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, पैकेट फिल्टर, दूसरा क्या है प्रॉक्सी सर्वर, तीसरा क्या है स्टेटफुल फार्मूला, चौथा क्या है ट्रांसपेरेंट फार्मूला, एक एक करके हम बात कर सकते हैं। एक मिनट मैं पैड लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है बात करते हैं, ठीक है। नाउ तो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बोला कि हमारे पास फोर टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक मैंने क्या बोला आपको which is called packet filtering, right? Packet filtering क्या होती है? आपका जो ACL होता है, ACL, ACL is what? It's a packet filtering firewall. ACL आपने implement किया हुआ, आपके पास numbered ACL आता है, named ACL आता है, उसके अंदर आप implement करते हो standard ACL, extended ACL, time based ACL, reflexive ACL, multiple options है, packet filtering, right? So ACL क्या है? It's a packet filtering method. तो ये packet filtering है, Cisco के केस में ACL कहते हैं। और यही पैकेट फिल्टरिंग का मेथड किसमें होता है, पालो अल्टो में उसे सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं, फोर्टिनेट में उसे फायरवॉल पॉलिसी कहते हैं, तो चीजें वही है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोई भी फायरवॉल क्या यूज करता है, पहले पैकेट फिल्टरिंग का मेथड, पैकेट फिल्टरिंग हर कोई फायरवॉल करता है, क्लियर है, पहली टेक्निक। सेकेंड, किसी भी फायरवॉल को आप एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब क्या है, आपने सुना होगा प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, प्रॉक्सी सर्वर में हम क्या करते हैं, देखो वैसे तो अगर सिस्को के केस में जाओगे
तो सिस्को का तो डेडिकेटेड एक प्रॉक्सी सर्वर आता है जिसे WSA कहते हैं, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, पूरा डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर है उनका। वैसे तो मार्केट में और भी वेंडर है, ब्लू कोट है, सोफोस है, बहुत सारे वेंडर है डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर के लिए, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फायरवॉल को आप एज अ प्रॉक्सी सर्वर यूज कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो प्रॉक्सी सर्वर आपका क्या है, प्रॉक्सी सर्वर के केस में मैं आपको छोटा सा चीज समझाता हूँ, प्रॉक्सी काम कैसे करता है। जैसे मेरे पास एक राउटर है, राउटर मेरा कनेक्टेड है ISP के थ्रू, ठीक है, और ये मेरा एक स्विच है, मेरी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, सिंपल नेटवर्क है, ट्रैफिक आपकी यहाँ से राउटर पे जाती है, राउटर से फिर बाहर चली जाती, सिंपल नेटवर्क। आपके ऑपरेशन ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक प्रॉक्सी सर्वर डिप्लॉय करते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कौन सा प्रॉक्सी सर्वर, ब्लू कोट है, सोफोस है, सिस्को है, कौन सा, नो, मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे आपने एक प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया, ठीक है, और ये प्रॉक्सी सर्वर है आपका, और इस पे आपने IP address कॉन्फ़िगरेशन किया है 192.168.10.50, ये आपका LAN, इतना पोर्शन क्या है आपका LAN है। तो अभी आपने प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है PS आपका, अगर आपने नेटवर्क पे प्रॉक्सी सर्वर लगाया है तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने पॉलिसी बहुत सारी कॉन्फ़िगर की होगी, जैसे आपने हो सकता है एप्लीकेशन ब्लॉक किया हो कि फेसबुक कोई एक्सेस नहीं करेगा, BitTorrent एप्लीकेशन कोई ओपन नहीं कर पाएगा, इस तरह का URL कोई ओपन नहीं कर सकता, राइट, URL फिल्टरिंग, URL कैटेगरी, बहुत सारी चीजें, google.com अलाउ, YouTube ब्लॉक, Facebook ब्लॉक, बहुत सारी पॉलिसी कॉन्फ़िगर की आपने, ठीक है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं ये बात करने आ रहा हूँ प्रॉक्सी को यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपने प्रॉक्सी लगा दिया ना तो यहाँ पे क्या होगा, पहला मेथड है प्रॉक्सी को यूज करने का। अब यहाँ पे लैन के अंदर कंप्यूटर चल रहा है, आपका गेटवे, तो हर एक कंप्यूटर पे पहला मेथड है प्रॉक्सी को यूज करने का, आपको हर एक कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, और जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप कौन से ट्रैफिक एक्सेस कर रहे हो, आप ट्रैफिक एक्सेस कर रहे हो, वेट, जो भी आपने ब्राउजर है आपने उसे ओपन किया और उसके सेटिंग में आप गए, आप सेटिंग में गए, इंटरनेट ऑप्शन में गए और आपने प्रॉक्सी की सेटिंग की, आप कनेक्शन पे गए, लैन सेटिंग, यहाँ पे प्रॉक्सी की सेटिंग, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो IP address हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये IP address हमें कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, राइट, तो हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ऐसा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला है कि अगर आप प्रॉक्सी की सेटिंग नहीं करोगे आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास, मैं हर एक कंप्यूटर पे जाके उसके ब्राउजर में सेटिंग कर सकता हूँ। ये लेगेसी मैथड, जो मेथड आपसे बात कर रहा हूँ ये मेथड कौन सा है, लेगेसी है, लेगेसी का मतलब ओल्ड मेथड। बट अगर मैं चलूँ क्या, कि अगर मैं बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 कंप्यूटर्स है, देन हर कंप्यूटर पे जाना, प्रॉक्सी की सेटिंग करना उनके ब्राउजर में, इट्स नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन, राइट, यू आर गोइंग ऑन ईच एंड एवरी डिवाइसेस एंड डू सेटिंग फॉर प्रॉक्सी, राइट। अब पंगा यहाँ पे क्या है, आपके पास 500 डिवाइसेस पे अगर हर कंप्यूटर पे जाके सेटिंग कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड है, तो दूसरा ऑप्शन आपका मोस्ट पॉपुलर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे कहते हैं TR मेथड, TR मेथड, जो दूसरा पॉपुलर मेथड है उसे कहते हैं TR, ट्रांसपेरेंट रीडायरेक्शन मेथड। ट्रांसपेरेंट रीडायरेक्शन मेथड क्या होता है कि देखो कंपनी में अगर कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा है तो मोस्ट केसेस में वो TR मेथड ही यूज करेगा। ट्रांसपेरेंट रीडायरेक्शन मेथड का मतलब क्या है, देखो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका डिफॉल्ट गेटवे तो सेट होगा ना। अच्छा, ये इंटरफेस क्या है आपका, IP address 10.1 ML, ये IP इन सबके लिए गेटवे होगी, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने इस गेटवे, देखो सबकी ट्रैफिक यही इसी गेटवे पे हिट करेगी, मैंने क्या किया, इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे कि ASL वगैरह मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, और बताया क्या कि जैसे ये इस गेटवे पे हिट करेगा कोई भी पर्सन, किस ट्रैफिक के लिए, HTTP और HTTPS ट्रैफिक के लिए हिट करेगा, ठीक है ना, तो ट्रैफिक आपकी आएगी यहाँ हिट करेगी, और आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने क्या किया, इस गेटवे और इस प्रॉक्सी सर्वर के बीच में एक रिलेशनशिप बना दिया, और इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपने जो प्रोटोकॉल यूज किया बैकग्राउंड में उसे कहते हैं WCCP, वेब कैशे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये आपकी रिलेशनशिप बनाने की प्रोटोकॉल है जो आप कॉन्फ़िगर करते हो डिवाइस के ऊपर, WCCP, गूगल करना आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेब कैशे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल,
ये क्या है, ये रिडायरेक्शन करने का प्रोटोकॉल है। अब क्या हुआ, मैंने एक रिलेशनशिप बना दिया। अब मेरे पास बेनिफिट क्या है कि जब भी कोई पर्सन आके यहाँ हिट कर रहा है ना इस पे इस ट्रैफिक के लिए HTTP और HTTPS या मान लो FTP भी ट्रैफिक ले लो, तो ये ट्रैफिक सीधे रिडायरेक्ट हो जाएगी किधर की तरफ, प्रॉक्सी की तरफ। तो मुझे अब हर कंप्यूटर की ब्राउजर में सेटिंग नहीं करनी। जितने कंप्यूटर्स हैं वो गेटवे को हिट कर रहे हैं और गेटवे क्या कर रहा है, उस ट्रैफिक को सीधे रिडायरेक्ट। गेटवे क्या देख रहा है, HTTP HTTPS और FTP ट्रैफिक अगर है तो उस ट्रैफिक को सीधे रिडायरेक्ट किधर कर रहा है, वो प्रॉक्सी की तरफ। प्रॉक्सी अब उसे क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, प्रॉक्सी उसे वेरीफाई कर रहा है। ओके, अब जो भी आपने प्रॉक्सी में कॉन्फ़िगर किया है, मान लो आपने गूगल अलाउ किया है, फेसबुक ब्लॉक किया हुआ है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से वो चेक करेगा। अगर ट्रैफिक आपकी अलाउ है तो वो इस ट्रैफिक को अगेन गेटवे की तरफ हिट करेगा और वो फिर वो बाहर जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, देखो प्रॉक्सी सर्वर आप नेटवर्क में यूज करते हो ना, उसका प्रॉब्लम भी है। प्रॉक्सी सर्वर नेटवर्क में यूज करने का प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल। अगर प्रॉक्सी सर्वर डाउन हो गया तो लैन यूजर तो इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जाएगा और जब ये है ही नहीं तो चेक कैसे करेगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस डिले इन योर नेटवर्क। डिले थोड़ा सा आपको देगा, डिले क्यों देगा, क्योंकि जो वैलिड ट्रैफिक मतलब गूगल अलाउ था वो भी चेक हो रही है वहां जाके, फेसबुक डिनाय था, चलो वो जाके चेक हुई, अच्छी बात है उसने देखा डिनाय कर दिया, बट गूगल तो अलाउ ही किया था मैंने, यूट्यूब मैंने अलाउ ही किया था, लेकिन फिर भी वो भी ट्रैफिक जाके वहां पे चेक होगी। तो इट इंट्रोड्यूस डिले, हर एक ट्रैफिक को चेक करे। क्लियर है, तो प्रॉब्लम है आपको। सो मैंने फर्स्ट जो डिस्कशन किया आपसे, फर्स्ट फीचर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पैकेट फिल्टरिंग। दूसरा क्या था, तीसरा होता है स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक क्या होती है, देखो स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक हर एक वेंडर यूज करता है। और स्टेटफुल फायरवॉल को क्या कहते हैं, हम क्या टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, स्टेटफुल फायरवॉल। अक्सर हम इंटरव्यू देते हैं ना फायरवॉल के ऊपर, तो हमसे कोई पूछ लेता है स्टेटफुल फायरवॉल जरा एक्सप्लेन करो क्या हो। देखो स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, जैसे मेरे पास एक सिस्को ASA फायरवॉल है, ठीक है। ASA का फुल फॉर्म होता है अडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा जो एक इंटरफेस है वो जाके आउटसाइड लगा हुआ है ISP से, मेरा जो दूसरा इंटरफेस है जो स्विच से कनेक्टेड है और मल्टीपल कंप्यूटर्स लैन के अंदर कनेक्टेड है, ये मेरा ASA बॉक्स। अब क्या हुआ, एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये आपका इंटरफेस ईथरनेट 0 है, ये इंटरफेस ईथरनेट 1। अब सिस्को ASA फायरवॉल पे एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड, उसे हम कहते हैं इनसाइड, INSIDE। अगर आप किसी भी इंटरफेस पे ये कीवर्ड डिफाइन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल मिल जाती है। तो एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, सिस्को ASA फायरवॉल किस यहाँ पे काम करती है, सिक्योरिटी लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी लेवल देखो, जैसे आपने यहाँ इनसाइड डिफाइन किया, इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है 100। ये जो मैंने 100 लिखा है ना, इससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी वैल्यू का रेंज होता है वो 0 से लेके 100 तक होता है। यानी जैसे आप इस इंटरफेस पे इनसाइड लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा हायर सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। और जो आपका दूसरा इंटरफेस है, ये इंटरफेस, इस इंटरफेस में आपने कुछ भी लिख दिया, मेरा नाम, अपना नाम लिख दिया, या आपने लिख दिया आउटसाइड, एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं आउटसाइड। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया आउटसाइड, ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल है वो क्या है, 0। यानी इनसाइड कीवर्ड छोड़ के आप कुछ भी टाइप करोगे ना किसी भी इंटरफेस पे, तो उसका सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 0। क्लियर है, इतना क्लियर है। रेंज कहां से कहां तक होती है, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप स्टेटफुल फायरवॉल की टेक्निक समझो पहले। तो मैंने इस इंटरफेस पे बोला इनसाइड, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल हो गया 100। इस इंटरफेस पे बोला क्या, आउटसाइड, सिक्योरिटी लेवल क्या हो गया, 0। नाउ अब यहाँ पे क्या है, एक चीज क्लियर करो, आपको सिस्को ASA फायरवॉल पे ट्रैफिक का जो फ्लो होता है वो हमेशा अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू। सो सिस्को ASA फायरवॉल पे ट्रैफिक आपकी TCP और UDP, ओनली दो ट्रैफिक आपकी बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है, कोई भी पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी ही नहीं है।
ये बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है डीसी को यूडीपी ट्रैफिक, लेकिन कहां से कहां तक? हायर टू लोअर, नथिंग, कुछ भी अलाउ नहीं होता। ट्रैफिक आपकी लोअर से हायर की तरफ अगर जाएगी ना, सब कुछ क्या है? डिनाय है। तो यहां नहीं, मैंने डिफॉल्ट बोला, मैंने डिफॉल्ट वर्ड यूज किया ना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नहीं होता है। 0 से 100 बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको अलाउ करना है वो तो आप कर सकते हो। सिंपल सी बात है यार, आउटसाइड से ट्रैफिक तो इनसाइड में लाने की कोशिश करेंगे। मान लो कंपनी का डीएमजेड सर्वर रखा हुआ, तो बाहर से लोगों को डीएमजेड सर्वर सॉरी वेब सर्वर रखा हुआ है, तो बाहर से लोगों को वेब सर्वर एक्सेस करने की कोशिश तो करेंगे ना, राइट? बट आई एम सेइंग व्हाट कि ट्रैफिक अगर क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो क्या करेगा? हमारे पास ट्रैफिक अलाउ होगा। कोई रूल, कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करनी सिस्को ऐसे फायरवॉल पे। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ है, लेकिन कौन सा ट्रैफिक? मैंने मेंशन किया कौन सा? यस, मेरी बात समझ में आ रही है? टीसीपी एंड यूडीपी। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब मान लो ये कंप्यूटर आपका 192.168.10.10, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है आउटसाइड में सर्वर को, जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। अब ये ट्रैफिक आपकी आके यहाँ हिट करेगी फायरवॉल पे। तो फायरवॉल क्या करता है देखो, फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल जैसे ही ट्रैफिक यहाँ आके हिट करती है, फायरवॉल जो है उस ट्रैफिक को चेक करता है, देखता है क्या है, क्या ओके जो ट्रैफिक आ रही है वो आ रही है, इनिशिएट हो रही है, वो इनसाइड से होगी, राइट? ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? हायर सिक्योरिटी लेवल से, राइट? और किधर जाने की कोशिश कर रही है? लोअर। तो मैंने आपको पहले ही बोला ट्रैफिक आपकी हायर से लोअर क्या होती है? अलाउ होती है। तो जैसे ट्रैफिक अलाउ होगी तो फार्मर तुरंत इस ट्रैफिक को एक टेबल के अंदर मेंटेन करेगा। उस टेबल को बोलते हैं क्या हम? स्टेट टेबल। ये जो थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ ना, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। स्टेट टेबल लाइक आप फार्मर के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे क्या स्टेट टेबल आपने बोला, तो इसके अंदर क्या है? सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सो आपकी जो सोर्स आईपी है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो सोर्स कौन सा था? ये था इनसाइड से। तो एंट्री उसने इसकी एंट्री कर ली, ओके ये पर्सन जा रहा है, और सोर्स पोर्ट नंबर रेंडमली आप ले लो 52,000 रेंडमली सोर्स पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन इससे कम्युनिकेशन करना है 8.8.8.8। और मान लो एग्जाम्पल कि ये पर्सन एक्सेस करना चाह रहा था इसको फॉर पोर्ट नंबर 23 टेलेट। तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक आपकी क्या कर रही है? ट्रैफिक आपकी जैसे ही आके यहाँ हिट कर रही है, फायरवॉल विल मेंटेन द स्टेट ऑफ दिस कनेक्शन इन द स्टेट टेबल, और ट्रैफिक विल गो आउटसाइड। नाउ व्हेन द रिटर्न ट्रैफिक विल कम एंड हिट ऑन टू दिस इंटरफेस, देन okay if return traffic will come and hit onto this interface, so this interface security level is what? Zero. The traffic is trying to go from zero to, so I told you that traffic from lower to higher is not allowed. So what will happen if traffic is going to hit onto this interface, and what this interface security level is zero and is trying to go in your higher security level, traffic is not allowed, so what will happen? See, whenever firewall will receive any interface, any traffic onto the interfaces, it will check that what is this connection, is this traffic is a part of my existing connection. हो सकता है कि ये traffic मेरे existing connection का part हो, ये मेरा return traffic हो सकता है। तो जैसे ही traffic यहाँ पे hit कर रही है, तो क्या check करेगा firewall? Okay, रुको मुझे देखने दो, पहले state table में इससे related कुछ information है क्या? Firewall ने क्या देखा? Okay, 8.8 से reply आ रहा है, पोर्ट नंबर 23 के लिए, और किसके लिए है ये? इसके लिए। ओके, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे फायरवॉल में मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? बिकॉज ट्रैफिक अभी मेरे ही थ्रू गई थी, यानी ट्रैफिक जो इनिशिएट हुई थी वो हायर सिक्योरिटी, वो इनसाइड, वो ट्रस्टेड नेटवर्क से इनिशिएट हुई थी, और ये उसका रिटर्न ट्रैफिक है। वास्तव में ये उसका रिटर्न ट्रैफिक, तो इसमें देखा ओके स्टेट टेबल में इन्फॉर्मेशन है, इट विल अलाउ। क्लियर है? यानी फायरवॉल के स्टेट टेबल में अगर इन्फॉर्मेशन होगी वो से अलाउ कर देगा। क्लियर? सो व्हाट इफ एनी ट्रैफिक इज ट्रैवलिंग थ्रू द अप्लायंस, तो फायरवॉल विल मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शन इन द स्टेट टेबल। क्लियर?
in the state table. And what will happen if and the traffic will forward to the destination. Now it will maintain the state of connection in the state table. When the data traffic will come, the firewall will verify this traffic in the state table. The traffic is available. If information is available in the state table, it will allow, otherwise drop. अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टेट टेबल. तो देखो, राउटर जो होता है वो स्टेटलेस डिवाइस होती है. राउटर स्टेटलेस होता है, वो ऐसा कोई टेबल मेंटेन नहीं करता कि कोई ट्रैफिक थ्रू जा रही है तो मैं मेंटेन करके रख लूं. नहीं, फायरवॉल के अंदर कैपेबिलिटीज है, इसलिए उसे फायरवॉल क्या बोलते हैं? स्टेटफुल फायरवॉल. डिवाइस को क्या बोलते हैं? स्टेटफुल फायरवॉल. और टेक्निक को क्या बोलते हैं? स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक. और टेबल क्या है? स्टेट टेबल. क्लियर है? So, आपकी जो थर्ड टेक्निक थी, जिसे आप क्या कह रहे थे, थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट? स्टेटफुल फायरवॉल. अब हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल. तो एक चीज क्लियर कर लो, फायरवॉल को आप, मैं बता चुका हूँ, फायरवॉल को आप दो तरीके से यूज कर सकते, दो मोड में यूज कर सकते. तो आइदर यू कैन यूज एज L3 फायरवॉल और यू कैन यूज एज L2 फायरवॉल. सो अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या किया, देखो L3 फायरवॉल मुझे पता है, अगर मैं L3 फायरवॉल यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको इंटरफेसेस पे IP एड्रेस दे सकता हूँ, मैं राउटिंग कर सकता हूँ, मैं नेट कर सकता हूँ, मैं VPN कर सकता हूँ. बट अगर मैं L2 फायरवॉल की बात करूँ तो L2 फायरवॉल के किसी भी इंटरफेसेस पे मैं IP एड्रेस नहीं दे सकता. कैसे काम करेगा, बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है. क्योंकि L2 फायरवॉल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कहते हैं. जब भी कोई बोले ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पे काम किया, इसका मतलब किस फायरवॉल की बात कर रहा है? L2 फायरवॉल की बात. क्लियर है? नाउ अब हमारे पास क्या आता है, अब हम आते हैं यहाँ पे फायरवॉल. चलो मैं, मुझे लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया मल्टीपल चीजें, लेकिन सॉरी, पैकेट फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग ACL जो मैं आपको बताया, हाँ ACL एग्जैक्टली. देखो उसको याद, देखो पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है. पैकेट फिल्टरिंग आर फिल्टर यूजिंग ACL. मतलब जब भी आप ट्रैफिक सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विस और प्रोटोकॉल के बिहार पे फिल्टर करते हो तो उसे क्या कहते हैं? पैकेट फिल्टरिंग. यही चीज आप फायरवॉल के अंदर भी, फॉलोटो के अंदर करते हो, यही चीज आप पोर्टनेट के अंदर करते हो, यही चीज आप सिस्को के अंदर करते हो. लेकिन सिस्को के अंदर उसका नाम क्या है? ACL. फायरवॉल के अंदर उसका नाम देते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी. जब ट्रैफिक अलाउ कर रहा होता है तो हम सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये सोर्स इस डेस्टिनेशन पे जाएगा. तो सिस्को के अंदर उसका नाम क्या है? ACL. और ACL को हम इसलिए बोलते हैं ना, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल. सो पैकेट फिल्टरिंग हर कोई यूज करता है. क्लियर है ये? नाउ अब हम बात कर सकते हैं डेडिकेटेड सिस्को ASA. सिस्को ASA. अब सिस्को ASA फायरवॉल क्या है हमारा? ASA का फुल फॉर्म होता है अडॉप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस. अब जैसे हमारे बाकी प्रोडक्ट होते हैं ना सिस्को के, वैसे हमारे पास सिस्को ASA फायरवॉल का भी प्रोडक्ट फैमिली होता है. जैसे ये हमारे प्रोडक्ट फैमिली है सिस्को ASA का. जो मॉड्यूल मॉडल स्टार्ट होता है वो इस सारी सीरीज से स्टार्ट होता है. जैसे सिस्को राउटर की सीरीज हमें पता है ना, 1800 2600 हमने देखा है. वैसे ही फायरवॉल की सीरीज होती है, जैसे सीरीज जो स्टार्ट होती है वो 5505 से स्टार्ट होती है. इस तरह के फायरवॉल को आप स्मॉल ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो या ब्रांच ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो. देखो जिस फायरवॉल के आगे X लगाओ ना, X, जैसे 5506 भी आता है एंड 5506X भी आता है. कुछ फायरवॉल के आगे X लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? X हमें ये बताता है कि इस फायरवॉल के अंदर सिस्को फायर पावर का फीचर है. ओके, जब भी आप बोलते हैं सिस्को ASA 550X, X means what? ये फायरवॉल भी है और इसके अंदर सिस्को फायर पावर का फीचर है. देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फायर पावर अलग चीज है और फायर पावर थ्रेट डिफेंस अलग चीज है, ये क्लियर रखना है. अगर मैं बोलूं सिस्को फायर पावर है तो अगर मैं सिर्फ सिस्को फायर पावर बोल के चुप हो जा रहा हूँ, इसका मतलब पूरा का पूरा बॉक्स ही अलग है. अगर मैं बोला सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस तो ये पूरा अलग डिवाइस है.
डिफरेंस है एग्जैक्टली exactly. जो सिस्को फायर पावर है वो एक्सैक्टली क्या है, वो आईपीएस है, एनजी आईपीएस डिवाइस है, वो एनजी आईपीएस जिसके अंदर सिग्नेचर पड़े होते हैं, सिग्नेचर पड़े होते हैं, जितने सारे अटैक के सिग्नेचर होते हैं उसके अंदर पड़े होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, फायरवॉल लगा लेती है और सिस्को फायर पावर लगा दिया। जैसे इससे पहले उसे कहते थे आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम डिवाइस। पहले सिस्को की जो डिवाइस आती थी, पहले फायर पावर नहीं होता था, पहले क्या होती थी वो सिस्को आईपीएस यूज करते थे, आईपीएस आईजीएस उसे कहते थे। फिर क्या हुआ, एक कंपनी थी जो आईपीएस आईजीएस टाइप के ही डिवाइसेस बनाती थी, आईपीएस आईजीएस टाइप की डिवाइसेस बनाती थी, लेकिन बहुत पॉपुलर थी आईपीएस आईजीएस की डिवाइस के मामले में। जैसे कंपनी का नाम था सोर्स फायर, सोर्स फायर कंपनी को सिस्को ने खरीद लिया, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खरीद लिया। जैसे सिस्को हमेशा करती है, जैसे कैटलिस्ट उसका नहीं है, कैटलिस्ट उसने खरीद लिया, सिस्को ऐसे भी उसका नहीं है, उसने पिक्स फायरवॉल कंपनी उठाई, परचेज की, उसका नाम चेंज किया, ब्रांड चेंज किया, सिस्को ऐसे डाल दिया। सेम वैसे क्या है, सिस्को वो सोर्स फायर कंपनी को उसने परचेज किया, सोर्स फायर को, और उसको में चेंजेज, उसके सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर ऐड करके बॉक्स का नाम क्या रखा, सिस्को फायर पावर। तो वो आईपीएस डिवाइस ही है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात आपको, वो आईपीएस डिवाइस ही है। अब सिस्को फायर पावर और एएसटी को जब कंबाइंड कर देते हो दो अलग बॉक्सेस को, तब उसे बोलते हो आप सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। क्लियर है मेरी बात? अच्छा पहले ये क्लियर करो, एक्स जहां पे लगा इसका मतलब क्या है, वो एएसए फायरवॉल है जिसके अंदर फायर पावर का फीचर, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे सीरीज है, कुछ स्मॉल ऑफिस के लिए है, कुछ मीडियम ऑफिस के लिए है, कुछ लार्ज इंटरप्राइज के लिए है। अब हमारे पास यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे एक मिनट, So, कुछ हमारे पास ऐसे भी है, जैसे आपके पास 5585X, ये डेटा सेंटर्स के लिए होता है, ये लार्ज इंटरप्राइज कंपनी के लिए। दूसरा आपके पास सिस्को एएसए सर्विस मॉड्यूल आपके पास है, जो अपने हिसाब से आप चेचेस लगा के मॉडिफाई कर सकते हो, एएसए वी आता है। एक चीज क्लियर कर लो, फायरवॉल को जो आप यूज करते हो ना, तो फायरवॉल को यूज करने का मतलब क्या है, देखो फायरवॉल आप दो तरीके से भेजते हो, या तो आप उसको बोलोगे एएसए जो बॉक्स होगा उसे क्या बोलोगे, पूरा फिजिकल बॉक्स है, वो पूरा फिजिकल सिस्को एएसए बॉक्स है वो, ठीक है। बट अगर मैं किसी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं AWS पे काम कर रहा हूँ, मैं Azure के साथ काम कर रहा हूँ, मल्टीपल अलग अलग क्लाउड एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एएसए वी आता है। अगर एएसए वी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा फायरवॉल है, वो पूरा का पूरा फायरवॉल है। लेकिन वो क्या है, किस एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं उसे आप, क्लाउड एनवायरनमेंट में, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में। बट मैं सिर्फ एएसए अगर बोल रहा हूँ, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल बॉक्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो एएसए आपको दो तरीके से मिलते हैं, या तो अगर सिर्फ एएसए है, एएसए बॉक्स लिखा हुआ, तो वो एएसए बॉक्स है, फिजिकल बॉक्स। और एएसए वी, स्मॉल में वी लिखा हुआ है कहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब वो पूरा सिस्को एएसए, ये वाला बाबा, नीचे मेंशन किया मैंने, देख रहा है आपको, वो पूरा ऐसे ही है। लेकिन जब स्मॉल वी आपको बता रहा है कि सर ये पूरा फायरवॉल है, जैसे आप फिजिकल बॉक्स परचेज करते हो वैसे आप ऐसे वी परचेज करते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होगा, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे AWS का एनवायरनमेंट, VMware EXI का एनवायरनमेंट, Azure का एनवायरनमेंट, हाँ एग्जैक्टली यस, वर्चुअलाइजेशन जहां चल रही है, AWS मोस्ट पॉपुलर है, उस एनवायरनमेंट में फायरवॉल लगाना है मुझे, पूरा वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट है, वहां मैं फायरवॉल कौन सा लगाऊंगा, ASA B लगाऊंगा, फिजिकल बॉक्स वाली लगा, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ही वर्चुअल है, फिजिकल थोड़ा है। तो ये आपकी प्रोडक्ट फैमिली, क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास, देखो सिस्को ASA क्या है एग्जैक्टली। पहले क्या होता था, हमारी एएसए बॉक्स अलग आती थी और वीपीएन कंसंट्रेटेड डिवाइस अलग आता था, यहाँ पे वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते थे। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड किया सिस्को ने, फायरवॉल को और वीपीएन कंसंट्रेटेड को कंबाइंड किया और सिंगल बॉक्स बनाया जिसका नाम क्या है, एएसए। सो सिस्को अडैप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, इट इज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल एंड वीपीएन कंसंट्रेटेड, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो,
अब जब मैं फॉरवर्ड ऐसे फीचर की बात करूं तो कोई मुझसे कहता है पॉल वॉल्टो में इतने फीचर्स हैं यार, पोर्ट्रेट में इतने फीचर्स हैं, ये है ये है ये है ये है, ये है। यस, इसको ऐसे फॉरवर्ड के अंदर भी फीचर आपके पास है, ये सारे फीचर जो आपको दिख रहा है ये सारे फीचर हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये सारे फीचर हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट ये डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको लैपटॉप तो अप्लाई है ना, नेक्स्ट क्लास में पूरा टूल्स वगैरह दे दूंगा आपको, प्रॉपर बैठ के लैब सेटअप करवा दूंगा, कर लीजिएगा, ठीक है? तो अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टोर कर सेव कर देता हूँ, ठीक है? और मंडे हम बैठेंगे अब डायरेक्टली।